तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि इंडिया को बोला जाता है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड बायर ऑफ टू व्हीलर्स। तो जी हाँ, जितनी है यहाँ पे बाइक मैन्युफैक्चर होती है उतनी ज़्यादा हम लोग खरीदते भी हैं। इंडिया में जितनी एक महीने में बाइकें बिकती है, जितने में एक महीने में लोग बाइकें खरीदते हैं, उतनी बहुत सारी कंट्रीज़ की अगर नंबर्स को एक साथ अगर आप लोग मिला भी दोगे तब इंडिया की जो नंबर्स है उनको सरपास नहीं करने पाएगी। अकेले हीरो और होंडा ऐसी कंपनीज है जो कि महीने 8-8 लाख बाइकें सेल कर देती है, जैसे कि मैंने आपको सेल्स फिगर्स वाली वीडियो में बता ही रखा हुआ है। पिछले साल हीरो मोटोकॉर्प ने ही 4 लाख बाइकें बेची थी इंडिया में और होंडा ने भी 4 लाख से ज़्यादा बाइकें बेची दी थी सिर्फ एक महीने में। तो पूरी साल का तो आप लोग फिगर समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये मार्केट है। और इसी वजह से हर कंपनी जो है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बाइकें बेचती है वो भी चाहती है कि इंडिया में आए, इंडिया में एक बार अपना लक आजमाए और इंडिया में देखे कि इंडिया में उनको सक्सेस मिल रहा है कि नहीं। वैसे इंडिया में भी हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है नहीं, हमारे पास इंडिया की खुद की इंडिजीनियस ब्रांड्स है जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प हो गई, बजाज ऑटो हो गई, टीवीएस हो गई। ये सब जो कंपनीज है ये सब इंडिया में तो बाइक सेल करती हैं, साथ ही में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करती है। स्पेशली अगर आप लोग इंडिया की एक्सपोर्ट सेल्स को निकाल कर देखोगे, मतलब एक्सपोर्ट सेल्स की रिपोर्ट पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बजाज जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा बाइक एक्सपोर्ट करती है इंडिया से। इंडिया से एक्सपोर्ट करती है अफ्रीकन मार्केट में, लैटिन अमेरिकन मार्केट में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, इनफैक्ट रशिया तक में भी आपको बजाज की बाइकें देखने को मिल जाएगी। सो सिंस ये मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स है, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ को लगता है कि यहाँ पर एक बार आया जाए। जैसे कि आपको KTM देखने को मिलती है जो कि ऑस्ट्रियन बाइक मैनुफैक्चर है, सुजुकी ऑलरेडी है यहाँ पे, यामा है, कावासाकी है, फिर आपको ट्रायम्फ देखने को मिलती है, बेनेली देखने को मिलती है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स है। अब यहाँ पे एक और ब्रांड एंटर होने जा रही है जिसका नाम है ज़ोनटेस। अब हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत होगा या फिर कुछ और पढ़ा जाता होगा, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है वो है ZONTES। तो ज़ोनटेस ये जो कंपनी है बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में एंटर करने जा रही है। तो ज़ोनटेस ये जो कंपनी है इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इनकी बाइकों में क्या आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी टाइप की बाइक ये आपको ऑफर करेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये कौन सी कंट्री की कंपनी है। तो अभी जैसा आप लोग पता है कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए अभी थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, मतलब अपनी देश की सामान होनी चाहिए, अपनी देश की मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होनी चाहिए। बाइकों में ये थोड़ा सा अभी कम आया है क्योंकि यामा सुजुकी की बाइकें अभी भी बहुत ही अच्छी नंबर्स पर बिक रही है, लेकिन कार्स में आप लोगों ने देख ही लिया कि कहाँ टाटा की कार पहले बहुत ही कम बिकती थी, लेकिन ये जो इंडिजीनियस वाला बात आया गया कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो बात हो उसके बाद से टाटा की गाड़ियाँ, महिंद्रा की गाड़ियाँ और अच्छी बिकने लगी। टाटा के आज से 3-4 साल पहले हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, लेकिन अभी टाटा होंडाई की नंबर पे आकर बैठ गई है, यानी फर्स्ट नंबर पे मारुति सुजुकी, तो सेकंड नंबर पे आ गई है टाटा, ऑलमोस्ट आ ही गई है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनी बन गई है पासिंग होंडाई। सो बट वेट वेट, यहाँ पर अगर आप लोग सोचोगे कि भाई ये सब बात तुम क्यों बता रहे हो, ये सब बात से इस कंपनी का क्या रिलेशन, या फिर मतलब ये कंपनी अच्छी है कि नहीं, ये सब बोलना चाहते हो, तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड है, ये बिलोंग करती है चाइना को। जी हाँ, चाइना को। अब चाइना से आप लोगों को पता ही है कि पिछले 3-4 साल से हम लोग का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, स्पेशली अभी भी ख़राब चल ही रहा, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद तो और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो ये जो कंपनी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ये कंपनी जो बिलोंग करती है वो करती है चाइना को। इसलिए अगर आप लोग ज़ोनटेस के बारे में कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको पहली जगह देखने को मिल जाएगी चाइनीज ओन्ड ज़ोनटेस मोटरसाइकिल्स टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, चाइनीज मोटरसाइकिल्स ज़ोनटेस कमिंग इन दिस मंथ, चाइनीज मोटरसाइकिल्स टू लॉन्च इन इंडिया देयर बाइक वेरी सून। तो हर जगह आपको चाइनीज जरूर सुनने को मिल ही जाएगा। और मेरे पास भी जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितना मैंने भी इनके बारे में आर्टिकल उर्टिकल पढ़ा, हर जगह ये चीज़ कॉमन मेरे को देखने को मिली, इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अब मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये जो बाइक है, मतलब अभी तो बाइकों के बारे में आपको बताना बाकी है, कौन कौन सी बाइकें लॉन्च करेंगे ये लोग, तो क्या ये जो ब्रांड है ज़ोनटेस, क्या आप लोग इसको लेना पसंद करोगे? क्योंकि ऑलरेडी चाइना की एक जो कंपनी थी वो इंडिया से भागकर ब्राज़ील चल गई, तो वो जो कंपनी थी वो एक कार की कंपनी थी, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ हुआ है। तो वैसे ज़ोनटेस की भी बहुत सारी बाइकें अभी लॉन्च होनी बाकी, अभी स्पेशली आई नहीं है, मतलब ऑफिशियली आई नहीं है, तो जैसे ही आ जाती है कितनी इनकी प्राइसिंग जाती है, क्या इनको इंडिया में ग्राहक मिलते हैं कि नहीं मिलते, सभी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे तो मेरे चैनल पे देखने को मिली जाएगी। उससे पहले जो शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेशन होती है, जो हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको बोल रहा था कि एक कार कंपनी थी जिसका नाम था GWM। अब GWM का मतलब है ग्रेट वॉल मोटर्स, और ग्रेट वॉल मोटर्स जो है, ये ग्रेट वॉल आप लोगों को पता ही, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक है चाइना में जगह, तो वैसे ही ग्रेट वॉल मोटर्स एक चाइना की कंपनी है जो कि कारें बनाती है। तो ये बहुत ही समय से इंडिया में खोज रही थी कि इंडिया में इनको परमिट मिल जाए, इंडिया में इनको एंट्री जहाँ तहाँ से मिल जाए। इन्होंने उसके लिए हल्के फुल्के क्लाइंट्स भी हायर किए थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट से बात करते, मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी उन्होंने, मतलब ये जो कंपनी है, इन्होंने सभी अपने जो ऑफिशियल्स है, जितने भी इनके जो लोग हैं, सभी को फायर करके ये जो कंपनी है पूरी इंडिया से अपनी सब चीज़ समेट कर चल गई है ब्राज़ील को। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में ऑपरेट ही नहीं करेंगे, अब सीधा ऑपरेट करेंगे ब्राज़ील में, ब्राज़ील इनको ज़्यादा बड़ा मार्केट लग रहा है अकॉर्डिंग टू
टू GWM। अब यहाँ पे इसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनको लैंड होल्डिंग्स के लिए परमिशन ही नहीं मिला, इनको प्लांट मैन्युफैक्चर करने के लिए परमिशन ही नहीं मिला, इनको बहुत सारी जो कंपनी चलाने के लिए परमिट्स होती है उनमें दिक्कत आ रही थी, इसी की वजह से ये कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया। तो GWM के साथ ये कहानी हुई जिसकी वजह से ये पूरी कंपनी इंडिया से उठकर चली गई। आप लोगों को पता ही है कि हमारे भी चाइना के साथ क्या रिलेशन है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ हुआ होगा यहाँ पे। तो उसमें मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक कंपनी थी GWM करके जो कि इंडिया से उठकर भाग गई। तो अब यहाँ पे आई है एक बाइक कंपनी जिसका नाम है Zontes। तो Zontes अभी 5 मोटरसाइकिल्स इंडिया में लॉन्च करेगी और इनके फ्लीट में आपको 125 सीसी से लेकर 312 सीसी की मॉडल्स देखने को मिलती है। ये कंपनी ने ऑफिशियली अभी इंडिया में कोई बाइक लॉन्च नहीं किया, लेकिन इनका प्लान ये है कि बाइकें लॉन्च करने से पहले ये ज्यादा से ज्यादा डीलर नेटवर्क अपनी बढ़ा ले, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाए, इनकी सर्विस नेटवर्क हर जगह इंडिया पे मिले, ताकि इनकी जो कोई बाइक लेते हैं तो उनको सर्विस वर्विस कराने में दिक्कत होना। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो आई तो बहुत समय पहले से है, लेकिन आज भी छोटे छोटे जगह पे उनकी सर्विस नेटवर्क अवेलेबल है नहीं। सो सिंस ये कंपनी चाइना की है, चाइनीज लोगों को बिजनेस करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, तो इसलिए पहले ये लोग शोरूम खोलेंगे फिर आपको देंगे बाइकें। तो वैसे ये जो कंपनी अकेले इंडिया में आ नहीं रही है क्योंकि इनको भी पता है कि अकेले इंडिया में ऑपरेट करेंगे तो अभी वो हिसाब से कंडीशन उस हिसाब से रिलेशन है नहीं कि इनको हर चीज सही से हो जाए। तो इसीलिए चाइनीज ये जो कंपनी है इन्होंने एक इंडियन कंपनी के साथ अभी पार्टनरशिप किया और ये कंपनी के बारे में भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ जिसका नाम है अधीश्वर ऑटो राइड। तो ये जो कंपनी है अधीश्वर ऑटो राइड इसके साथ ये चाइनीज ब्रांड ने पार्टनरशिप किया है और इसी के साथ ये लोग ऑपरेट करेंगे इंडियन मार्केट में। वैसे इंडिया में अभी तक से ये कंपनी आई नहीं है, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी 55 कंट्रीज में ऑपरेट करती है जिसमें की है यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील, मलेशिया, थाईलैंड और आपको यूरोप की कंट्रीज देखने को मिलेगी, साउथ पैसिफिक कंट्रीज देखने को मिलेगी, आसियान कंट्रीज देखने को मिलेगी, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी है, मतलब कुछ ही अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे साउथ अफ्रीका। तो इस टाइप की 55 कंट्रीज में इनका आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगा। अभी तक से इंडिया में आई नहीं थी, अब फिलहाल आने वाली है। एक एक करके मैं आपको पांचों बाइकों के बारे में बता देता हूँ जिसको कि Zontes ने अनाउंस किया है कि ये लोग इंडिया में लाएंगे, जिसमें कि सबसे पहली है 350R नेकेड, 350X स्पोर्ट बाइक, GK350 कैफे रेसर, 350T और 350 एडवेंचर टूरर। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पास 125 सीसी वाली भी बाइकें हैं, लेकिन उसको ये लोग लॉन्च करेंगे नहीं। इनकी जितनी भी बाइकें यहाँ पे मैंने आपको नाम लिया, ये सभी हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक है। 300 सीसी इनमें आपको इंजन देखने को मिलेगा, डुअल चैनल ABS इनमें सभी में स्टैंडर्ड है, टायर प्रेशर मॉनिटर्स देखने को मिलेगा, कीलेस इंगिशन देखने को मिलेगा जैसे कि आपको BMW की GSM में मिलता है, मतलब आपकी जो की होगी बाइक की वो पॉकेट में ही रहेगी, लेकिन उसी को सेंस करके आप लोगों को सिर्फ बटन दबा के ही आप लोग बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कार में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ इमेज शेयर कर रहा हूँ द Zontes 350X स्पोर्ट्स बाइक की। ये देखने से काफी बिग एंड बल्की लग रही है और साइड से थोड़ी थोड़ी आपको KTM की बाइक की जैसे भी देखने को मिलेगी। तो Zontes 350X है ये, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किसकी डिजाइन आपको कैसी देखने को मिल रही है। इसमें बोला जा रहा है कि 348 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि पावर जनरेट करेगा 38 BHP का और आपको टॉर्क मिलेगा 32 Nm का। इसमें आपको फ्रंट में 320 mm की डिस्क और रियर में 265 mm की डिस्क। एंड ये जो बाइक है ये आपको थोड़ी सी एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलेगी क्योंकि इसकी हैंडल बार आप लोग देख ही सकते हो कि काफी ऊंची प्लेस की गई है। ये हो गई 350X जो कि मैंने अभी आपके साथ दिखाया। फिर इसी की आपको नेकेड मॉडल मिलेगी 350R करके, उसमें भी सेम इंजन मिलेगा। GK350 कैफे रेसर उसमें भी सेम इंजन मिलेगा। आपको 350T टूरर मिलेगा, उसमें भी सेम इंजन सेम पावर इसी टाइप की देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट सभी में अंडरपिनिंग सेम से, सभी में आपको इंजन वंजन सेम देखने को मिलेगा। अभी इंजन में बहुत ज्यादा खर्चा इस कंपनी ने किया नहीं है, इसलिए जितनी भी बाइक है सभी एक ही इंजन के साथ आ रही है, सिर्फ उनका पर्पस अलग अलग है। कोई ट्रैक बाइक है, कोई स्पोर्ट्स बाइक है, कोई कैफे रेसर है, कोई टूरिंग वाली है। टायर्स की बात की जाए तो सभी में आपको टायर देखने को मिलेंगे 120 सेक्शन के फ्रंट में, रियर में मिलेगा 160 सेक्शन का। एंड वहीं 350T जो एडवेंचर मॉडल होगी उसी में टायर थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको 110 सेक्शन का मिलेगा फ्रंट में और रियर में मिलेगा 160 सेक्शन का। और ये जो टायर है ये स्पोक टायर्स होंगे। जितनी भी बाइक है सभी में आपको 17 लीटर से लेकर 19 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी काफी ज्यादा लार्ज है। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, TFT स्क्रीन के साथ USB चार्जिंग पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो इन बाइकों में कुछ भी कमी नहीं की गई है। लुक भी अगर आप लोग देखोगे तो काफी टेरिफिक है। यहाँ पे आपको लुक में भी लगेगा कि ये बाइक एकदम मार्केट में हटकर लगेगी, एकदम फ्रेश न्यू बाइक लगेगी, क्योंकि इस टाइप की बाइक आपको उतनी ज्यादा देखने को मिल नहीं रही है। और Zontes की सब जितनी भी बाइक है इनको बोला जा रहा है कि ये प्राइस थोड़ी सी प्रीमियम की जाएगी, मतलब 3.5 लाख रुपए से इनकी प्राइस स्टार्ट होगी और 4 लाख रुपए तक की जाएगी। तो अगर आपके पास 3.5 से 4 लाख रुपए होंगे इस बीच में आप Zontes की ये सब कुछ बाइकों में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब इन सभी
बाइकों को ले सकते हो, कितनी उनकी ऑफिशियल प्राइस जाएगी, कितनी मतलब कौन कौन सी बाइकों की कितनी प्राइस एग्जैक्ट रखी गई है, इस पर अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, कोई ऑफिशियल यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। बस यही बताया गया है कि ये 5 बाइकें आएंगी जिनमें कि आपको 350cc इंजन देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो ये सब बाइकें कॉम्पीट करेगी KTM की बाइकों से, BMW की बाइकों से, होंडा की बाइक से, TVS की बाइक से, रॉयल इनफील्ड की बाइक से। तो ये सब जो ऑलरेडी प्लेयर्स है मार्केट में, ये सब कंपनियों से, ये जो कंपनी है जोनटेस, उनकी बाइक कॉम्पीट करेगी। अब देखना पड़ेगा कि ये जो चाइनीज ब्रांड है जोनटेस, इस पर लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि नहीं, क्या लोग इनकी बाइकों को लेना पसंद करते हैं कि नहीं। आप लोग अपना ओपिनियन जोर से बताइएगा, मैं तो यहाँ पे अपना ओपिनियन इस बार नहीं देने पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग उससे ही से हट हो जाएंगे कि भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर एक बाइक की तरफ देखा जाए, मतलब सिर्फ एक बाइक पे अपना ओपिनियन दिया जाए एज अ बाइक एंथुजियास्ट, तो मैं बोलूंगा कि इनकी जो बाइकों की लुक है वो काफी ज्यादा टेरिफिक देखने को मिल रही है। मतलब लुक के हिसाब से हो सकता है कि इनकी बाइक इंडिया में मार्केट पकड़ ले, लुक के हिसाब से खाली सेल होने लगे, क्योंकि लुक में कहीं पर भी कमी देखने को मेरे को नहीं मिल रही है। चाहे वो इनकी आप स्पोर्ट्स वाली मॉडल को देख लो, एडवेंचर वाली मॉडल को देख लो, या नेकेड वाली मॉडल को देख लो, तो लुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडिया में कोई भी बाइकों को सक्सेस दिलाने का। तो हो सकता है कि जो लोग सिर्फ लुक के दीवाने हैं वो इन बाइकों के साथ जाना पसंद करे। आप लोग अपना ओपिनियन जोर से बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया जोनटेस मोटरसाइकिल्स के बारे में, और इसकी सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की, और इसके बारे में बता दिया कि कहाँ से ये कंपनी बिलोंग करती है, कितने सारे कंट्रीज में ऑपरेट करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जोर से लाइक शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर दीजिएगा। आप लोग देखने के लिए थैंक यू।